नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही और जैकलीन फर्नांडिस को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। नोरा फतेही दिल्ली स्थित ईडी ऑफिस पहुंच गई हैं। जैकलीन से कल यानी 15 अक्टूबर को पूछताछ होगी। इन दोनों से शुकेश चंद्रशेखर के 200 करोड़ की ठगी और फिरौती के मामले में पूछताछ की जानी है। बता दें, इससे पहले जैकलीन को तलब किया गया था लेकिन वह ईडी के सामने पेश नहीं हुई थी, जिसके बाद ईडी ने पूछताछ को पोस्टपोन कर दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईडी की निगाहें उन सभी लोगों पर है जो इस मामले में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से शामिल है। ईडी इस केस में उन संभावनाओं पर गौर करना चाहती है कि कहीं इलेक्शन कमीशन रिश्वत मामले में मुख्य आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने ठगी वाले पैसों का निवेश विदेश में तो नहीं किया है। गौरतलब है कि इलेक्शन कमीशन रिश्वत मामले समेत आरोपी सुकेश पर 21 अन्य मामले भी दर्ज है। इस समय वह दिल्ली की रोहिणी जेल में बंद है। ईडी ने यह भी कहा है कि बॉलीवुड सेलेब्स भी इस केस में सक्रिय भागीदार है। यमा में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा EOW में सुकेश और अन्य के खिलाफ कथित आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और करीब 200 करोड़ रुपए की जबरन वसूली लेकर दर्ज FIR पर आधारित है। ईडी ने छापेमारी के बाद अपने बयान में कहा था, सुकेश चंद्रशेखर इस धोखाधड़ी का मास्टरमाइंड है। वो 17 साल की उम्र से अपराध की दुनिया का हिस्सा रहा है। ईडी ने 24 अगस्त को सुकेश के चेन्नई में सी फेंसिंग बंगला सीज किया था। उसके बंगले में 82.5 लाख रुपए नगद, 2 किलोग्राम सोना और 1 दर्जन से अधिक लग्जरी कारों को जब्त किया गया था। ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PML के तहत जैकलीन का बयान भी दर्ज कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPL।